लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ अहम फ्लो के बारे में बात की थी और उसने रेजिस्टेंस का जिक्र किया था, जबकि रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं किया था। आज हम लोग रेजिस्टेंस को ही एक्सप्लेन करेंगे। आम हालत में जो कंडक्टर है वो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन शेप में होता है, जिसमें पॉजिटिव आयन की शक्ल में एटम जो हैं अपनी जगह पर स्टेबल होते हैं और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्रीली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर के अंदर आज़ादाना तरीके से मूव कर रहे होते हैं इस तरीके से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये चारों तरफ आसानी से मूव कर रहे होते हैं। कभी ये एटम के साथ टकराते हैं तो भी इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है, आपस में टकराने की वजह से भी इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब ये कि ये फ्रीली मूव करते हैं और बार बार एटम से टकराते हैं और मुख्तलिफ सिमटों में हरकत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसके साथ एक बैटरी को लगा देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला जो हिस्सा है इसे मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, तो अब इस कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई हो जाती है। जैसे ही किसी कंडक्टर के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाए तो उस कंडक्टर के अंदर जो मूव करते हुए फ्रीली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन है वो अब बजाय मुख्तलिफ सिमटों के अंदर मूव करने के एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, और जिस डायरेक्शन के साथ वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर मूव करते हैं उस डायरेक्शन का उस डायरेक्शन में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्जेस रखते हैं और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से मूव करेंगे और जिस वेलोसिटी के साथ ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स ने एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दी है और जिस वेलोसिटी के साथ ये, इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। लेट्स से कि इस पॉइंट पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोर्स के अंडर है, इसे अब एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जितनी बार यहाँ से इन एटम्स के साथ और मुख्य जगहों के साथ टकराता है उतनी ही इस कंडक्टर के अंदर हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, उतनी ही करंट के बहाव के, करंट की जो फ्लो है उसमें उतना ही रुकावट आती है। तो जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट के जो है वो फ्लो में रुकावट पैदा हो, उसके फ्लो के अंदर जो है हिंड्रेंस आए, तो इस चीज़ को उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये फ्रीली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है, जबकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखें। इस सिचुएशन में हम लोगों ने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा ताकि हम लोग रेजिस्टेंस को बता सकें, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है इसके बारे में भी अभी पढ़ते हैं। हम लोगों ने अहम स्लो में बात की थी कि अगर हम लोग टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें तब हमारा अप्लाई किया गया वोल्टेज जो है इस कंडक्टर में से पास करने वाले करंट के करंट के तरह होता है, यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। लेकिन इस सिचुएशन में मैंने अपना जो अपना टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों को ही कांस्टेंट नहीं माना, तो इसका मतलब है कि वी जो है वो आई के साथ डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कंडक्टर के अंदर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी डायरेक्शन को इस एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, जितनी दफ़ा भी आपका एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितनी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, यहाँ से यहाँ टकराने के लिए, यहाँ से जब वो मूवमेंट स्टार्ट करता है तो उसकी यहाँ पर मौजूद एटम्स के साथ जो कि पॉजिटिव आयन की सूरत में अपनी जगह स्टेबल है उनके साथ टकराव होता है, और टकराव की वजह से उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती चली जाती है। तो जितनी तेज़ी से वो टकराएंगे और जितनी दफ़ा उनकी डायरेक्शन चेंज होती चली जाएंगी उतना ही इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं इस कंडक्टर की लेंथ जो है इसकी तकरीबन लेंथ आप मान लीजिए कि 2 मीटर है, इसकी 2 मीटर है, और मैं इसकी लेंथ को आप तकरीबन 4 मीटर कर देती हूँ इस तरीके से। अगर मैं इसकी लेंथ को 4 मीटर कर दूँ और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वो यहाँ पर भी मैं 1 मीटर रखती हूँ और यहाँ पर भी मैं 1 मीटर रखती हूँ इस तरीके से, तो देखते हैं अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस कंडक्टर जिसकी लेंथ को अब मैंने कहा है कि ये 4 मीटर है, जाहिर सी बात है इसमें भी पॉजिटिव आयन जो है वो एटम जो है पॉजिटिव आयन की शक्ल में मौजूद हैं यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर, और इनके दरमियान जो है वो फ्रीली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन हैं। जितना किसी कंडक्टर की लेंथ को आप बढ़ाते चले जाएंगे उसमें मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं उतनी ही तेज़ी के साथ हिंड्रेंस वगैरह प्रोड्यूस करते चले जाएंगे। क्योंकि लेंथ बढ़ी है तो इसका मतलब एटम्स भी बढ़े हैं, एटम्स बढ़े हैं तो इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो पहले से ज़्यादा हो गई है।
तो जितने एटम ज़्यादा होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं जैसे ही हम इसे बैटरी के साथ अप्लाई कर देंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे जो है इलेक्ट्रॉन उतने ही तेज़ी से मूव करते हुए इन एटम्स के साथ टकराएंगे और हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी लेंथ के साथ, जो हमने कंडक्टर की लेंथ अप्लाई की है। जितनी आप किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। जितना किसी चीज़ का कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसमें से जो है इजीली करंट पास आउट हो सकेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के दरमियान इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं होती तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी बड़ा कर दिया जाए, यानी कि आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा है, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस तरीके से, इसमें से जो पास करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, पास होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अपने एटम्स के साथ, यानी कि यहाँ पर कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो उसे यहाँ पर इस पॉइंट तक आने के लिए जो हिंड्रेंस है वो कम करनी पड़ेगी, बहुत कम उसके लिए रेजिस्टेंस होगी, उसकी जो है रुकावट, उसके टकराव मुख्तलिफ एटम्स के साथ और इस कंडक्टर की जो वॉल्स हैं उसके साथ कम होगा। तो जो हमारी रेजिस्टेंस है अगर किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी बड़ा हो तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, लेकिन अगर किसी कंडक्टर की लेंथ आप काफ़ी बढ़ा दें तो उस और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो छोटा हो तो उस सिचुएशन में आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपने लेंथ बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस बढ़ गई है। दूसरी बात, आपने क्या कर दी कि आपने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है छोटा कर दिया। अगर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बड़ा होता, लेंथ भी बड़ी है, तो फिर रेजिस्टेंस नॉर्मल रहती, लेकिन आपने लेंथ बढ़ा दी और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पहले की निस्बत छोटा कर दिया है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड है आपके कंडक्टर की लेंथ के साथ और इनवर्सली रिलेटेड है आपके कंडक्टर के जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। अगर आपको ये रिक्वायरमेंट दी जाए कि आपने रेजिस्टेंस को कम रखना है तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि आपको रेजिस्टेंस कम रखने के लिए एक ऐसा कंडक्टर जो है सर्किट में इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी बड़ा हो और उसकी लेंथ छोटी हो। जैसे कि ये वाला आपके पास कंडक्टर है, इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम निकलेगी क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ये रिक्वायरमेंट दी जाए कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो और उसकी लेंथ ग्रेटर हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप इस तरीके से काम करें कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़े ही ना, यानी रेजिस्टेंस जैसी है वैसी ही रहना, ज़्यादा हो ना कम हो, तो अगर आप लेंथ भी बढ़ा लें और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ा लें तो लेंथ भी बढ़ गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ गया, तो उस सिचुएशन में जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस सेम रहती है, ना बढ़ती है और ना कम होती है। लेकिन जैसा कि मैंने बात की टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ जो है वो रिलेशनशिप होता है। इसका रिलेशनशिप क्या है टेम्परेचर के साथ, जब आप किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके ऊपर जो काम किया जा रहा है या इसे जो मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से हमारे पास सर्किट है, ये हमारा कंडक्टर है, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव आयंस हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट शो कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर को जो है मैंने तकरीबन इसका टेम्परेचर फर्श कर लीजिए आप कि इसका जो टेम्परेचर T1 है वो 0°C है। इस टेम्परेचर पर मैंने इस कंडक्टर का काम स्टार्ट किया तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो R1 है, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो इस कंडक्टर के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन एटम्स के साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है मज़ीद टकराव करेंगे, मज़ीद उनकी हिंड्रेंस प्रोड्यूस होगी और इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने T2 टेम्परेचर जो है वो T°C कर दिया है तो अब मेरी रेजिस्टेंस भी R2 हो जाएगी जो कि पहले की निस्बत बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर मेरी रेजिस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1 ओम है तो अब यहाँ पर मेरी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन T°C पे जाने से हो सकता है 10 ओम हो गई हो,
तो यानी कि टेम्परेचर का हमारी रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। जिस तरीके से आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे उसी तरीके से आपकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। आपकी जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस होता है यानी कि R2 माइनस R1, ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इनिशियल जो आपकी रेजिस्टेंस है। जब फर्स्ट कर लीजिए कि आपने इसे इस तरीके से कर लीजिए ना कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो T0 है, यानी कि कोई भी टेम्परेचर नहीं, तो उस वक्त आपकी जो रेजिस्टेंस है RO है। जैसे ही आपका टेम्परेचर T1 हो जाता है तो T1 पे आपकी रेजिस्टेंस R1 आ जाती है। जैसा कि आप ये देखें कि अगर मैं आपको इसको सही तरह से एक्सप्लेन करके बताऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप इसे इस तरीके से देखें कि जब आपके पास टेम्परेचर जो है, जैसा कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर RO है, जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं 0 से T डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो RT हो जाती है। तो आपकी जो रेजिस्टेंस में डिफरेंस है डेल्टा R, वो RT माइनस RO हो जाता है। और जो आपके टेम्परेचर में, इसे भी इस तरह से रिमूव कर दिया जाए, और जो आपके टेम्परेचर में डिफरेंस आता है डेल्टा T, इसे भी आप लिख सकते हैं कि ये जो है आपका टेम्परेचर वो T0 से या T डिग्री सेल्सियस से आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। इस तरीके से आपका टेम्परेचर जो चेंज होता है, जो कि बराबर है T डिग्री सेल्सियस के आ जाता है। जितना रेजिस्टेंस में चेंज आता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस के साथ जो कि RO है, और इसी तरह से आपका जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उस टेम्परेचर के साथ जिस टेम्परेचर पे आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। तो देखा जाए तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा आर, वो RO के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है और T के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो क्यों ना मैं इसे इस तरह से लिख लूँ कि ये जो डेल्टा आर है ये रिलेटेड है विद RO इंटू T, यानी दोनों के साथ ही डायरेक्टली रिलेटेड है। डेल्टा आर हमें मालूम है कि ये हमारे पास RT माइनस RO है, और अगर इज इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे मैं सम कांस्टेंट अप्लाई करूँ तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, इस कांस्टेंट को अल्फ़ा लिख लेती हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास जो है ये अल्फ़ा इस तरीके से आ जाता है इस तरह, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। ये हमारे पास अल्फ़ा है इंटू RO इंटू T, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है टेम्परेचर की। और ये जो अल्फ़ा है इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो अल्फ़ा है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इस अल्फा की वैल्यू से हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और हम ये भी बता देते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में कि किस तरह से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करती है। जैसे ही हम टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और अगर किसी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दी जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस क्या है और उसका लेंथ और एरिया के साथ क्या रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमने आज की वीडियो में सीखा है।